करने वाले हैं नेल्स की। या दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ जो हम थोड़ा सा इजी वे में ले लेते हैं। नेल्स बहुत जरूरी है सबके लिए, सब चाहते हैं कि हमारे नेल्स अच्छे लगे, बट किसी के नेल्स मतलब बहुत अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो बढ़ते भी बहुत अच्छी तरह हैं, टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। बट कुछ के नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा भी पानी में जाने के बाद वो इजिली टूट जाते हैं। तो गाइज जस्ट लाइक मी, मेरे नेल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड के तो फिर भी थोड़े बड़े हैं, बट राइट हैंड के बहुत छोटे छोटे हैं, बढ़ाती हूँ बट वो टूट जाते हैं। बट मेरा भी दिल करता है कि मैं इनको बढ़ाऊँ, मैं मतलब थोड़े अच्छे लगे, बिकॉज लॉन्ग नेल्स सबको अच्छे लगते हैं, लाइक मुझे लॉन्ग नेल्स अच्छे लगते हैं बट मेरे बढ़ते नहीं है। तो आई हैव अ शॉर्टकट फॉर दिस, मैंने एक शॉर्टकट ट्राई किया इसके लिए, मेरा फर्स्ट ट्राई है। आई थिंक आप लोगों, आई डोंट नो आप लोग इसे यूज़ कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, बट मैंने मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज मेरे लिए टोटली बिल्कुल न्यू चीज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखती आ रही, काफ़ी टाइम से, लेकिन यूज़ करने की हिम्मत नहीं होती थी कि नेल्स के साथ यार पता नहीं नेल्स को डैमेज तो नहीं कर देंगे, नेल्स ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, नेल्स पे स्टिक होंगे या नहीं होंगे। यस, मैं आर्टिफिशियल नेल्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज फ्रेंड में है नेल एक्सटेंशन, बट आई कांट डू नेल एक्सटेंशन, मुझे डर लगता है, पता नहीं उसमें लाइक मैंने सुना है, मैंने वीडियोस में काफ़ी देखा भी है कि उन्हें ये आपके क्यूटिकल्स को बैक पुल करते हैं, बहुत पेन होता है, तो आई डोंट वांट टू कैरी दैट पेन, और इसलिए मैं सिर्फ कुछ छोटा मोटा करना चाहती थी, जैसे नेल्स तो अच्छे लगे बट मेरे को पेन फील ना हो, मेरे नेल्स हार्म ना हो। लाइक अगर मैं पार्टी वगैरह में जा रही हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए अपने नेल्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस आर्टिफिशियल नेल किट, एंड मैंने इसे बाय किया है अपनी लोकल मार्केट से। वैसे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट सारे ही वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत चीप प्राइस होता है इनका। और इन्हें आप लाइक अगर इन्हें आपको रिमूव करना है नेल्स को अपने नेल्स पे से, तो बहुत ईजिली रिमूव भी हो जाते हैं, बस जस्ट आपको गर्म पानी में अपने नेल्स को डिप करके रखना है, अपनी फिंगर्स को डिप करके रखना है, एंड हाफ एन आवर के बाद आपके नेल्स इजिली रिमूव हो सकते हैं, एंड ये ग्लू से स्टिक होते हैं, तो इतना कोई टेंशन भी नहीं है कि भाई नेल्स पता नहीं कब निकलेंगे, कैसे निकल जाएंगे। लाइक एक्सटेंशन, जो नेल एक्सटेंशन हम लोग करवा रहे हैं उनमें क्या होता है कि वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो कोई हर कोई नहीं कर सकता, बट ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हर कोई घर पे ही ईजिली कर सकता है। अगर किसी को सडन पार्टी में जाना है तो वो ईजिली इसको ट्राई करके इसे लगा के पार्टी के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि नेल्स अगर अच्छे लगते हैं तो हमारा हाथ भी अच्छा लगता है, हमारे हैंड भी अच्छे लगते हैं। लाइक अभी देखिए मेरे नेल्स पे कोई नेल नहीं है, तो इट नॉट लुक्स टू गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट अभी मैं इसके ऊपर जैसे ये नेल आर्ट लगाऊंगी, ये आर्टिफिशियल नेल्स लगाऊंगी, तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ये नेल्स किस तरह से लगाए जाते हैं। तो फर्स्टली ये तो है मलिक किट, जिसके अंदर दिए हुए हैं नेल्स, इसके अंदर है 12 नेल्स, एंड 12 नेल्स के साथ इसके है एक ग्लू जिसके थ्रू आपको इसे करना है स्टिक। तो ग्लू है हमारा ये है ग्लू, इससे हमें इसे स्टिक करना है, तो देखते हैं कैसा स्टिक होता है, क्या होता है। दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल, मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ, मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं की, तो मैं आप लोगों के साथ इसे ट्राई कर रही हूँ, सो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए फॉर दैट सॉरी। ओके चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारे नेल्स, इनमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो हमें नेल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। लाइक जो नेल, लाइक हमारा थंबनेल हमारा बड़ा होता है, तो उसके लिए हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने नेल्स पे इन्हें एडजस्ट करके देखना है कि आर्टिफिशियल नेल हमारे कौन से नेल पे, रियल नेल पे जा रहा है, उसी के बाद हम इसको अपने नेल्स पे लगाएंगे। तो पहले हम इसको लगा के देखते हैं, ये हमारे नेल्स पे लग रहा है नहीं लग रहा, तो यू कैन सी ये हमारे नेल्स पे थोड़ा बड़ा जा रहा है, हमारे नेल्स के क्यूटिकल से थोड़ा सा जैसे साइड से निकल रहा है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। देन फिर मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि क्या ये मेरे नेल्स पे सेट होगा, तो यस, ये मेरे नेल्स पे प्रॉपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा हम नेल्स पे लगाएंगे तो वो हमारे नेल पे प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगा। देखिए तो ये अच्छे से सेट होके जा रहा है, तो इसे हम ग्लू की हेल्प से इसको लगाएंगे। लगाने के बाद फर्स्टली इसको करेंगे कैप को बंद, एंड देन नेल्स को हम इस पर सेट करेंगे।
एंड कुछ देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो ये देखिए मेरा नेल लग चुका है, दिस इज माय फर्स्ट नेल। तो इसी तरह से हम सारे नेल्स को लगाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे नेल्स लग चुके हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे नेल्स लग चुके हैं एंड यू कैन सी कितने प्यारे लग रहे हैं। मींस जो नेल्स बहुत छोटे छोटे थे वो बड़े बड़े हो गए हैं। सो गाइस ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप इनमें कोई भी नेल पेंट लगा सकते हैं ना, इजिली उसे रिमूव कर सकते हैं, इनका कलर भी नहीं जाता। तो ये आप गोल्डन से किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड गाइस इजी वे में अपने नेल्स को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। गाइस ये है मेरा शॉर्टकट अपने नेल्स को 10 मिनट में लंबा करने का। तो इस तरह से मेरी तरह से आप भी अपने नेल्स को लंबा कर सकते हैं। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस अगर अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब करना, गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एंजॉय द डे, हैव अ नाइस डे, बाय।